हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली दंगों पर बोले तो सही, मगर क्या बोले? मुद्दों को सुविधावादी तरीके से नजरअंदाज कर दिया, मुद्दों से लगातार बचते हुए नजर आए। हां, अमित शाह का हमने एक निहायत ही सौम्य अंदाज देखा, और होना भी था, क्योंकि जब आपके पास कोई जवाब ना हो, जब दिल्ली पुलिस से लेकर गृह मंत्रालय पूरी तरह से दिल्ली दंगों पर काबू पाने में नाकाम साबित हो, तो सौम्य अंदाज तो दिखाई ही देगा। और सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से अमित शाह ने मुद्दों को दरकिनार किया, नजरअंदाज किया, और उनके पार्टी के नेता खुलेआम संसद के अंदर नफरत फैलाते हुए दिखे। आज बोल के लब आजाद है तेरे में, मैं वो मुद्दे उठाने वाला हूं। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। सबसे पहले देखिए किस तरह से अमित शाह दिल्ली पुलिस का बचाव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का बहुत कठिन काम था, ये उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने इस दंगे को एक जगह तक सीमित रखा। सुनिए पहले अमित शाह कह क्या रहे हैं। ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था, इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। इसको 36 घंटे में समेटने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, और बहुत बड़ी स्प्रेड की संभावनाओं को जीरो करा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शो में इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं भी होंगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अमित शाह के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, मगर दिल्ली पुलिस की जो उन्होंने तारीफ की, मैं अमित शाह जी को कुछ तस्वीरें याद दिलाना चाहूंगा। इस तस्वीर पर गौर कीजिए, खजूरी खास की तस्वीर है। यहां पर पुलिस सीसीटीवी तोड़ रही है। वाह, पुलिस और गुंडों में कोई फर्क ही नहीं रहा। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए दोस्तों, इसे मैंने कई बार अपने शोज में इस्तेमाल भी किया है। आप देखिएगा किस तरह से दंगाइयों के साथ पुलिस बाकायदा उनका साथ दे रही है, उनकी हौसला अफजाई कर रही है। ऐसी तस्वीर तो हमने आज तक नहीं देखी। तो बताइए ना अमित जी, कि पुलिस इतना महान काम कर रही थी, और स्वाभाविक सी बात है तारीफ करना तो बनता ही है, तो क्या आप इन मुद्दों को नजरअंदाज कर सकते हैं? अमित जी ने अपने बयान में यह भी कहा कि एक खास तारीख के बाद दंगे नहीं हुए। माननीय लगभग 24 फरवरी 2020 को 2 बजे के आसपास पहली सूचना प्राप्त हुई, 24 तारीख को, और अंतिम सूचना प्राप्त हुई है 25 फरवरी रात को 11 बजे। अब मैं आपके सामने 2 सबूत पेश करने जा रहा हूं। एनडीटीवी के इस पत्रकार सौरभ शुक्ला के मुताबिक, आप देख सकते हैं कि जिस तारीख का जिक्र अमित शाह कर रहे हैं उसके बाद भी 13 लोग मारे गए हैं। अब सुनिए इस शख्स को। यह शख्स अपनी आप बीती को बयां कर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरह से जिस तारीख का जिक्र अमित शाह ने किया उसके बाद भी दंगे लगातार होते रहे। सुनिए। मतलब उसने फोन करा, उसके बाद में 5 मिनट का उसने टाइम दिया, हमने फोन मिलाए, स्विच ऑफ स्विच ऑफ, बस जब यहाँ आए तब बताया कि 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। आमिर ने, हाँ, इस इलाके में आ गया ना, तो 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तो मेरे छोटे बेटे ने फोन करा आसान, और उसके बाद में स्विच ऑफ स्विच ऑफ निकाल दिया। रात को ढूंढाते हैं, रात को जहाँ जहाँ जानकारी सब में तलाश करा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में सुबह को तलाश करा, फिर 100 नंबर पर कॉल कर लिया, उन्होंने थाने भेजा, थाने वालों ने मतलब यह कहना मृतक दिखा दिया। तो जैसे मैंने कहा ना, मुद्दों से भटकना, सुविधावादी तरीके से चीजों को दरकिनार कर देना, यह उपलब्धि रही अमित जी के कल के भाषण की। और हमारे महान भारतीय जनता पार्टी सांसद जजेस को धमकी देते दिखाई दिए। इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए, मीनाक्षी लेखी जो कि दिल्ली से सांसद हैं, नई दिल्ली से सांसद हैं, और दूसरी तरफ संजय जायसवाल बेतिया से सांसद। इन दोनों ने खुलेआम जजेस को धमकी दी। आप सुनिए, मीनाक्षी लेखी तो ये कह रही हैं कि
कि आईबी की रिपोर्ट आ जाए तब हकीकत सामने उभर कर आ जाएगी जजेस की। यह बात तब हुई दोस्तों जब किसी ने जस्टिस मुरलीधर का जिक्र किया। कौन जस्टिस मुरलीधर? वो शख्स जिसने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह के नफरती बयानों को बाकायदा अदालत में चलाया था और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। ये बात मीनाक्षी लेखी को पसंद नहीं आई, सुनिए। जिन जजेस के इन्होंने नाम लिए, इनको बहुत एक्सपीरियंस है जजेस के अपॉइंटमेंट से लेकर बाकी चीजें लिखवाने का, इसीलिए ये जानते हैं क्या क्या होता है। इनको ये नहीं पता कि बिना रेकमेंडेशन के सरकारें ट्रांसफर नहीं करती, और ट्रांसफर ही किया था, ट्रांसफर तो पहले हो चुका था। मैं तो कहूंगी एक दिन कि आईबी की जो रिपोर्ट्स है ना, कुछ लोगों के बारे में उनको पब्लिक कर देना चाहिए, सबको समझ आ जाएगा कि किसका ट्रांसफर क्यों करके हुआ है। मीनाक्षी लेखी ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। ये सरकार अब औपचारिक तौर पर मान रही है कि वो अपने जजेस की आईबी के जरिए जासूसी करवाती है। ये कल्पना से भी विचित्र है, सरकार संसद के अंदर इसे स्वीकार कर रही है। अब इस शख्स पे गौर कीजिए, संजय जायसवाल सांसद हैं, कह रहे हैं कि 1955 से लेकर 2011 के बीच खुद माननीय अदालतों ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं होता, यानी कि उसमें कुछ किंतु परंतु होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मगर आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं संजय जी, आपातकाल के दौरान, शर्मनाक आपातकाल के दौरान भी जबरदस्त हिंसा हुई थी, ट्रेन्स को रोका गया था, तोड़ा फोड़ा गया था। जब एल के आडवाणी ने रामरथ यात्रा निकाली थी तो 1990 से लेकर 1993 तक 3000 लोगों की औपचारिक तौर पर मौत हुई थी। उस हिंसा का आप क्या कहेंगे? हिंसा किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना होगा। मीनाक्षी लेखी ये भी कह रही थी कि जजेस को किसने अधिकार दिया है कि वो ये फैसला करें कि कोई आंदोलन जो है पुलिस तब तक कार्रवाई ना करे जब तक वो हिंसा उसमें ना हो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की वकालत कर रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस का दमन हो? क्या यही वजह है कि लखनऊ में इस तरह से आपने दीवारों पर लोगों के चेहरे लगा दिए उनके पतों के साथ? एक भीड़ आपने खड़ी कर दी उन लोगों के खिलाफ जो नागरिकता बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन कर रहे थे। इनमें से कई लोगों को मैं जानता हूं, दीपक कबीर हो गए, सदाफ जाफर हो गए, ये लोग किसी भी सूरत में हिंसा में शामिल नहीं थे, मगर आपने इनके खिलाफ एक लिंच मॉब खड़ी कर दी है। इसलिए मैं मानता हूं कि बीजेपी सांसदों की बात निहायत ही शर्मनाक है। अब बात करते हैं नफरती बयानों की। जब अमित शाह से बार बार पूछा गया कपिल मिश्रा के बारे में, अनुराग ठाकुर के बारे में, प्रवेश साहिब सिंह के बारे में, तो उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। वो कहते हैं कि ठीक है, रही होगी एक हेट स्पीच, हम देखेंगे, उसकी जांच करेंगे। पहले आप सुनिए वो कह क्या रहे हैं। देखिए, जिस हेट स्पीच का वो जिक्र करे हैं, वो तो पुलिस जांच करी है, जो कानूनन होगा वो करेंगे। मगर हाँ, वारिस पठान का इन्होंने जिक्र किया, उमर खालिद का भी इन्होंने जिक्र किया। आज मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। वारिस पठान ने एक निहायत ही शर्मनाक बयान दिया था, और मैंने खुद अपने एक शो में कहा था कि वारिस पठान का बयान शर्मनाक है और ओवैसी की खामोशी और भी ज्यादा शर्मनाक। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमित जी, क्योंकि जैसे ही अनुराग ठाकुर ने वो बयान दिया था, वो नारे लगवाए थे देश के गद्दारों को गोली मारो, तब उसके बाद ये दो तस्वीरें उभर कर आई थी। ये तथाकथित नाबालिग जिसने जामिया पर विद्यार्थियों पर गोली चलाई, और फिर शाहीन बाग में ये शख्स जिसे अब बेल पर रिहा हो गया है, इसने गोलियां चलाई, तो ये था सीधा असर। क्या आप ये नहीं देख सकते थे? फिर गौर कीजिए इस शख्स पर, कपिल मिश्रा, इसने एक डीसीपी की मौजूदगी में खुलेआम धमकी दी, खुलेआम धमकी दी, क्या आप इसे भूल गए? और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपने खुद इस बात का जिक्र किया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं, और उसमें अफवाहें फैलाई जाती हैं। ये ठीक कपिल मिश्रा के बयान के बाद हुआ। क्या आपने कपिल मिश्रा पे कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। ताहिर हुसैन जेल में है, शर्जील इमाम जेल में है, शाहरुख पठान जेल में है, ये तमाम लोग जो किसी ना किसी तरीके से विवादों में हैं, आरोपी हैं, हिंसा फैलाते हुए दिख रहे थे, भड़काऊ बयान देते दिख रहे थे, यानी कि ये लड़की भी
जो ओवैसी के मंच पर जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, ये भी जेल में है। मगर मुझे बताइए ना अमित जी, जिन महानुभवों के बारे में आप जवाब तक देने को तैयार नहीं है, उन पर क्या एक्शन लिया आपने? आपने कांग्रेस का जिक्र किया, आपने कहा कि कांग्रेस ने बयान दिया है कि सड़क पर उतरो, आर पार की लड़ाई हो। अमित जी, आप खुद जानते हैं कि आपके पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो आंदोलनों से निकले हैं। सड़क पर उतरो, आर पार की लड़ाई, अगर यह भड़काऊ है और अगर इसका नतीजा शाहीन बाग है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शाहीन बाग निहायत ही नॉन वायलेंट मूवमेंट रहा है, एक मिसाल रही है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमित जी, अगर आपको लगता है कि आर पार की लड़ाई, सड़क पर उतरो जैसे बयान हिंसात्मक हैं, तो एक महानुभव ने यह वाला बयान भी दिया था। कौन सा बयान था वो? हां, बाबरपुर में बटन दबाओ करंट लगे शाहीन बाग को। बताइए, करंट तो अहिंसा का प्रतीक है ना अमित जी, बताइए तो आप इसे किस तरह का बयान समझेंगे? शांतिपूर्ण, शांति को बढ़ावा देने वाला, मैत्री बनाने वाला, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने वाला? क्या इस सवाल का आपको जवाब नहीं देना चाहिए? जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को लेकर सियासत भी बहुत गर्म हो रही है। न्यूज क्लिक से आम आदमी पार्टी के नेता रूबरू हुए। सबसे पहले सुनते हैं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का क्या कहना है। अभिसार जी, कल आपने जो गृह मंत्री का बयान देखा होगा, और मैं भी उनके बयान को सुन रहा था लोकसभा के अंदर, ऐसा लग रहा था कि एक अज्ञानी बालक, एक भोला बालक उपदेश दे रहा है जिसको कुछ पता नहीं था, जिसको कोई जानकारी नहीं थी। 3 दिनों तक दिल्ली को अनाथ छोड़ दिया गया, 3 दिनों तक दिल्ली को जलने दिया गया, और गृह मंत्री खामोश रहे, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया डीसीपी की मौजूदगी में, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके सांसद प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर ने दिल्ली को भड़काने का काम किया, आग में धकेलने का काम किया, इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई की बात नहीं की। ऐसा लग रहा था कि गृह मंत्री अंतरिक्ष में मौजूद थे और उनको कोई जानकारी नहीं थी। कह रहे 300 लोग उत्तर प्रदेश से आ गए। अरे भाई, 300 लोग कहां से आ गए उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश में तो आपका शासन है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, कौन लोग है वो जो आए? आप कह रहे हो यहां भड़काऊ भाषण दिए गए, कौन लोग हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया? वो आपके सांसद हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 53 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, पुलिस वाले घायल हुए, पुलिस वालों की जान गई, लोगों के दुकान जलाए गए, मकान जलाए गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, सबका नुकसान हुआ, लेकिन आपका फायदा हुआ। आप उस दंगा पीड़ित इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, आप उन दंगा पीड़ित लोगों से मिलने नहीं जाते हैं, आप 5 क्विंटल का माला पहनने के लिए कोलकाता की रैली में पहुंच जाते हैं। आप लोग चुनाव जीतने के लिए देश में दंगा फसाद नफरत फैलाने का व्यापार कर रहे हैं, और गृह मंत्री जब से अमित शाह हुए हैं देश के, दिल्ली की कानून व्यवस्था पद से बदतर हो गई है। अब सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता इस मुद्दे पर। शाहीन बाग का एक कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा कि कोई भी ऐसा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट बाहर आया हो जिसमें कहा गया हो कि आप लाठियां उठाइए, आप गोलियां चलाइए या आप कोई हिंसा करिए। लेकिन कौन वो लोग थे जिन्होंने प्रवोक किया? ये तो कपिल मिश्रा थे, ये तो अमित शाह थे, ये तो आपके ठाकुर साहब थे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उन्होंने स्टेज पे ये कहा कि देश के गद्दारों को गोली मार। फिर उसके बाद हमारे अमित शाह जी ने मिसलीड किया लोगों को और यह कहा कि देश में एनआरसी लागू होगा चप्पे चप्पे में। ये किसके बयान थे? और हमारे प्रधान सेवक जी तो ये कह गए कि देश में कहीं भी एनआरसी, छोड़िए देश में कहीं भी डिटेंशन कैंप ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जो होम मिनिस्टर है आसाम के, वो एक ऑर्डर निकालते हैं और उसमें कहा जाता है कि आसाम के डिटेंशन कैंप में जितने भी नॉन मुस्लिम हैं उनको रिहा किया जाए और मुस्लिम्स को रिहा नहीं किया जाए। तो मिसलीड किसने किया, प्रवोक किसने किया? आप जानते हैं, मुझे अमित शाह के संबोधन की 2 बातें बहुत पसंद आई। पहली बात जो उन्होंने कही, जब उन्होंने कहा कि वारिस पठान ने बेशक अपना बयान वापस ले लिया हो, मगर एक बार जब आप एक बयान दे देते हैं वो सोशल मीडिया में फैल जाता है, इसका अर्थ यह हुआ कि बेशक आप उसके लिए माफी मांग लें मगर वो अपना असर कर जाता है। मैं अमित शाह जी के इस बयान का स्वागत करता हूं। साथ ही उन्होंने एक और बात कही कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि
कि कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे। उन्होंने कहा, पावन भारतीयों की मौत हुई है। इसके लिए अमित जी, मैं वाकई आपको आपका अभिवादन करना चाहता हूं, ताली बजाना चाहता हूं। मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं अमित जी, आपके पार्टी के नेता इस वक्त दिल्ली के दंगों में जिन लोगों को नुकसान हुआ है ना, उनके लिए पैसा जमा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ हिंदुओं के लिए पैसा जमा कर रहे हैं जिन्हें नुकसान हुआ है, और उनकी मदद कर रहे हैं। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करना चाहते, और आपके हिसाब से 52 भारतीयों की मौत हुई है, तो आपके पार्टी की ये छुटभैया नेता इतनी गंदी, घटिया और बांटने वाली सियासत क्यों कर रहे हैं? क्या आप इन्हें कोई संदेश नहीं देना चाहेंगे? बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। और आज हम आपके सामने गृह मंत्री अमित शाह के मच अवेटेड स्पीच पर अपना विश्लेषण पेश कर रहे थे। मेरी आप सबसे अपील कि न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें, बल्कि बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं, सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.